नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट आई न्यूज। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज अपने नेताओं व कार्यकर्ताओं से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव में आज आखिरी चरण का मतदान है, वोटिंग के बाद एग्जिट पोल आने शुरू हो जाएंगे। सभी को मतदान के दौरान और मतदान के बाद भी मतगणना खत्म होने और जीत का प्रमाण पत्र मिलने तक पूरी तरीके से सजग, सतर्क और सचेत और सावधान रहना होगा। वहीं अखिलेश ने कहा कि भाजपा के किसी भी बहकावे में ना आए। सपा अध्यक्ष ने कहा कि आज इंटरनेट यानी आज 1 जून को इंटरनेट मीडिया एक्स पर उन्होंने लिखा कि दरअसल ये अपील हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भाजपा वाले ने ये योजना बनाई है कि शनिवार शाम को चुनाव खत्म होते ही वह अपनी मीडिया मंडली से विभिन्न चैनलों पर यह कहलवाना शुरू कर देंगे कि भाजपा को लगभग 300 सीटों के आसपास बढ़त मिली है, जो पूरी तरीके से झूठ है। ऐसे में आपके मन में ये सवाल उठेगा कि भाजपा को इस बार 2-3 दिन का झूठ बोलने से क्या मिलेगा, जबकि इंडिया की सरकार बनने जा रही है। वहीं इसके जवाब में हम आपको बता दें कि ऐसा झूठ फैलाकर भाजपा अपने में सबका मनोबल गिराना चाहते हैं, ऐसे में जिससे आपका उत्साह कम हो जाए और आप लोग मतगणना के दिन सावधान और सक्रिय ना रहे, जिसका फायदा उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से मतगणना में धांधली कर सके। उन्होंने आगे लिखा कि ध्यान रहे जो भाजपाई चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में कोर्ट द्वारा लगवाए गए कैमरे के सामने धांधली करने में बेशर्म दुस्साहस कर सकते हैं और चुनाव जीतने के लिए कोई भी घपला घोटाला करने के लिए उतारू हो सकते हैं, तो इसलिए ये सजगता जरूरी है। आप लोगों से ये विशेष अपील है कि किसी भी भाजपाई एग्जिट पोल के बहकावे में ना आए, पूरी तरीके से चौकन्ना रहे और आप अपना आत्मविश्वास भी बनाए रहे, जीत के अपने मूल मंत्र मतदान में भी सावधान रहें और याद रखें कि जीत का प्रमाण पत्र लेकर ही संविधान, लोकतंत्र और देश की जनता का जीत का उत्सव मनाती हुई नजर आएगी। ये तमाम तरीके की अपील अखिलेश यादव करते हुए नजर आते हैं और उनको डर है कि इस बार अगर एग्जिट पोल चालू हो गए और जो उनकी मीडिया है, जो मोदी मीडिया कही जाती है, कहीं ना कहीं उसके अगर एग्जिट पोल शुरू हो गए तो यहाँ की जनता के ऊपर उसका खासा असर देखने को मिल सकता है और उनका मनोबल टूट जाएगा और कहीं ना कहीं वो फिर 4 जून का इंतजार नहीं करेंगे। अखिलेश यादव का इस बात का डर है और वो जनता को सतर्क करते हुए एक्स पर पोस्ट करते हुए ये बात लिखते हैं। लेकिन अब ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात को इतनी आसानी से जाने देगी, क्योंकि एक आरोप है और इस आरोप का किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जवाब देती हुई नजर आती है ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन उसके पहले आपको बता दें, जिस तरीके से यूपी का समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है, इस बार माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार के दावे पर कहीं ना कहीं पीछे जाती हुई दिखाई दे रही है। आप देखेंगे इंडिया गठबंधन ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर कहीं ना कहीं बढ़त करती हुई नजर आई है, जिसके बाद इंडिया गठबंधन का जो कॉन्फिडेंस है वो भी हाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर पूरी बात कर लिया जाए भारतीय जनता पार्टी के, तो 400 पार के जो दावे हैं कहीं ना कहीं झूठ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। 400 पार ये बोलने वाली बात है, लेकिन अखिलेश यादव ने पहले ही बोल दिया कि 300 पार के वो दावे करते हुए नजर आएंगे। अब ऐसे में ये पूरा जो समीकरण बन रहा है ये एक तरीके से साइकोलॉजी गेम खेलने की पूरी कोशिश की जा रही है कि जनता के मन में ये बिठा दिया जाए कि 300 ही आएंगे और फिर भारतीय जनता पार्टी शुरू से ये बात कहती हुई नजर आई थी 400 पार, इस बार 400 पार, तो कहीं ना कहीं ये एक कंफ्यूजन की स्थिति जनता के लिए बनती हुई दिखाई दे रही है। खैर, इस बार जो वोट है वो बहुत कम पड़े हैं, ऐसे में देखना यही होगा कि इस बार कौन सी पार्टी जीतती हुई नजर आती है। अखिलेश यादव जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के जीतने का दावा कर रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार एनडीए गठबंधन के जीतने के पूरे प्रयास में लगी हुई है। देखना यही होगा कि इस बार वाकई में कौन बड़ा खेला कर सकता है, ये देखना बेहद अहम है। फिलहाल आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया बनेगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट नाइन न्यूज़ पर। आखिर किसके पक्ष में है सत्ता की लहर? हम पहुंचे गांव-गांव और शहर-शहर, जनता ने बताई हमें अपने मन की आवाज। सबसे सटीक एग्जिट पोल 1 जून शाम 6 बजे से।